हेलो हर हर महादेव। सुबह हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करके अब हम शाम की जो है गंगा आरती देखने आए हैं। हम यहाँ पे 3-4 बजे के करीब आ गए थे। आपको यहाँ पे जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि अगर आप लेट आएंगे तो आगे आपको बैठने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये देख सकते हैं ये 4 या 4:30 बजे के अंदर ये भीड़ कितनी ज़्यादा हो गई थी। जितना आप लेट आएंगे उतना आपको पीछे खड़े होकर गंगा आरती जो है वो देखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे। जल्दी आके हम एकदम फ्रंट के सीट पर बैठ गए थे ताकि हम गंगा माँ की आरती जो है वो बहुत अच्छे से देख पाएँ। अभी आरती की तैयारी होने वाली है। यहाँ पे हम सब बैठे थे कि आदू अपना डमरू बजा रहा है, पंकज ने यहाँ पे पीछे बैठे हैं। हम यहाँ पे अच्छे से एक प्लेस लेकर बैठ गए थे ताकि हम जो आरती पूरा अच्छे से देख पाएँ। आदम जो डमरू बजाना देखिए यहाँ पे सिखा रहा है। तो आप जितना जल्दी आएंगे आपको उतने आगे की सीट जो मिलेगी उतने अच्छे से जो है आप गंगा आरती देख सकते हैं। पंडित जी आ गए, पंडित जी ने आरती स्टार्ट कर दिया है। ठंडी के मौसम में करीब 6-6:30 बजे तक जो है वो आरती स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो बोट से भी आरती जो है देख सकते हैं। बोट पे कुछ 3,000 रुपये समथिंग कुछ लेते हैं। आप चाहें तो उनसे बार्गेनिंग करके बोट पर भी बैठ कर फिर पहले आप बोट को आपको पूरा घुमाएँगे गंगा नदी, फिर उसके बाद आप बोट पर बैठ कर भी गंगा आरती जो है वो देख सकते हैं। आरती देखकर इतना अच्छा लग रहा था, मन को इतनी शांति लग रही थी। बहुत सुंदर पंडित जी आरती करते, सब जो है एक प्रॉपर लाइन से कर रहे थे, सबके हाथ जो है उसी एंगल में जो है घूम रहे थे। बहुत अच्छा पंडित जी ने आरती किया, हमें बहुत अच्छा लगा आरती देखकर। पंडित जी ने सारे आरती अच्छे से किए, सब लोग शांत बैठ के गंगा माँ की आरती देख रहे थे। पंडित जी सारे जो है पंडित जी एक लाइन में अच्छे से जो है पूजा आरती जो है गंगा माता की कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। यहाँ पर थोड़ी बहुत ठंडी थी बिकॉज ठंडी का मौसम था, बट सुबह काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन करके आप जो है आसपास के जितने भी मंदिर हैं आप वहाँ पे दर्शन कर लीजिए। मैं ऑलरेडी वीडियो जो अपलोड कर दी हूँ जो हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया। यहाँ के आसपास जितने भी मंदिर हैं हम वहाँ के भी दर्शन किए, और उसके बाद में जो है आप 4-4:30 बजे तक फ्री हो जाइए ताकि आप गंगा माँ की आरती देख सकें। यहाँ पर बहुत दूर दूर से अलग अलग शहर से लोग आए थे, आप देख सकते हैं। आधे से जो लोग बात कर रहे थे वो लोग स्पेन से आए थे, तो यहाँ पर फॉरेनर्स भी आए थे। यहाँ पर बनारस में आप बहुत सारे लोग को देखेंगे, फॉरेनर्स, मराठी, साउथ इंडियन, बंगाली, मतलब हर एक कास्ट के हर एक स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गंगा माता की आरती देखकर, बहुत अच्छा लगा। हमने सिर्फ टीवी में ऐसा देखा था, बट अब हम सामने देख रहे हैं गंगा माँ की आरती यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे पंडित जी लोग भी मंत्र पढ़ते रहते हैं, पीछे से जो है गाना भी बजता रहता है। तो सारे लोग यहाँ पे बैठ के देखे, सारे लोग वीडियोस निकाल रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं, तो सारे लोग बैठ के देखे देख सकते हैं। देख रहे कुछ लोग बोट पे बैठ के देख रहे हैं। बोट पर जो है पहले आपको घुमाते हैं, बाद में यहाँ पे आपको गंगा माँ की आरती दिखाते हैं। बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बोट पर आरती न देख कर हमें यहाँ पर जो है पास में बैठ के दिखाना चाहिए, बिकॉज बोट सिर्फ बोलते हैं हम आगे रहते हैं, हम आगे से आपको दिखाएंगे, लेकिन बोट जो है काफ़ी दूर से रहती है तो हम आगे से जो है हम आरती भी नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप सब पास बैठ के देखेंगे तो आप दिया भी ले सकते हैं, और जो प्रसाद देते हैं प्रसाद भी आप ले सकते हैं। बोट से काफ़ी दूर से आपको जो आरती देखनी पड़ती है बोट पर खड़े होकर, इससे बेटर है कि जल्दी आ जाएं और यहाँ पे पास में बैठकर ही आप पूरी गंगा माँ की आरती जो है वो देख सकते हैं। बहुत अच्छा गंगा माँ की देखिए आरती पंडित जी कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ पर जो जल्दी आएँगे तो बहुत अच्छे से जो है आगे बैठ कर गंगा माँ की आरती आप देख सकते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। Thank you.
बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव।